बैटमैन कैप्ड क्रूसेडर के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है मूविंग टारगेट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बारबरा से, जो एक कैदी को छुड़ा लेती है और वो कहती है कि अब तुम गलत राह पे मत चलना और तुम्हारी सजा मैंने कम करवा दी है और तुम जल्दी ही छूट जाओगे जेल से, तुम टेंशन मत लो। तभी होता यह है वहां पे कमिश्नर गार्डन आ जाते हैं और वह बारबरा को कहने लग जाते हैं कि एक और क्रिमिनल क्राइम करेगा और वो केस जीत के छूट जाएगा। तब बारबरा कहती है कि सब क्रिमिनल्स नहीं होते, हो सकता है इसने मजबूरी में हथियार उठाए हो। तब गार्डन कहता है देखो मेरे वाले बहुत ज्यादा जाबाज है तो वो कभी गलत नहीं हो सकते, और उनसे अगर गलती हो भी गई है तो ये आदमी तो क्रिमिनल ही है ना। तब बारबरा कहती है कि अच्छा पुलिस वालों से गलती हो सकती है और आम आदमी से नहीं, तो आप मुझसे लड़िए मत। तब बारबरा और गार्डन कोर्ट के बाहर निकल जाते हैं एंड वहां पे मोंटोया भागी भागी आती है एक और पुलिस ऑफिसर के साथ और वो कहती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और मुझे पता चला है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और गार्डन पे फायर कर देता है, जिससे दूसरा पुलिस वाला जो साथ में आया था वो एनकाउंटर कर देता है उस गुंडे का और फिर गार्डन जो है बच जाता है। अब बताइए, दिखाया जाता है कमिश्नर गार्डन, मोंटोया और बुलक को। ये लोग टास्क फोर्स खड़ी करके बोलते हैं कि हम पे किसने गोली चलाई, इतनी कितनी हिम्मत हो गई सबकी, और इसके लिए तो बहुत जिगरा और पैसा भी चाहिए। तब मोंटोया कहती है ठीक है हम जरूर जल्दी पता लगा लेंगे, लेकिन बुलक कहता है इससे कुछ भी नहीं होगा, हम सड़कों पे उतरते हैं, टास्क फोर्स लेते हैं, रेड मारेंगे और एक एक को पूछेंगे, मारपीट के घसीटेंगे, तब जाके उनका मुंह खुलेगा। कमिश्नर गार्डन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सड़कों पे दंगे नहीं करवाऊंगा इस शहर के, तो तुम लोग साइलेंटली इस मिशन को अंजाम दो और पता लगाओ कि ये सब काम किसने किया है। अब होता ये है गार्डन जो है बारबरा के कैबिन में आ जाता है। तब बारबरा कहती है कि देखिए आपको यहाँ पे सेफ नहीं लग रहा है तो चलिए हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं और आपकी प्रोटेक्शन अब ज्यादा जरूरी है। मोंटोया भी यही कहती है पर गार्डन कहता है देखो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और मैं इस शहर में भीगी बिल्ली के नहीं बैठूंगा और वो बुलक पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तब बारबरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है एंड फिर मोंटोया उसके पीछे पीछे जाती है। बारबरा कहती है कोई आदमी इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। मोंटोया कहती है देखो तुम टेंशन मत लो, मैं उनकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेती हूं और मेरे होते हुए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर बारबरा उसे थैंक यू कह देती है। इधर बारबरा सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे डैड पे तो हमला हुआ है एंड तभी वहां पे बैटमैन आ जाता है। बैटमैन आके बारबरा को डरा देता है, बारबरा डर जाती है। बैटमैन बोलता है कि तुम्हारे फादर पे और हमला होगा, वो सेफ नहीं है तो उन्हें जल्दी से सेफ जगह पहुंचा दो और मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि किसने ये सब किया है एंड फिर बैटमैन वहां से गायब हो जाता है। बैटमैन उसी जेल में आता है और पुलिस वालों को मार के एक कैदी के पास जाता है एंड उसे खूब धोता है और कहता है कि जल्दी बता क्या हुआ है। तब वो कहता है कि ये करने वाला एक मलर नाम का बंदा है एंड फिर वो कहता है कि देखो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बाहर से शार्प शूटर बुलाए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, साथ साथ वो लोग ट्रेंड भी हैं तो कोई भी बचा नहीं सकता है अब कमिश्नर गार्डन को। एंड फिर बैटमैन जो है वो वहां से चला जाता है एंड फिर क्या था, बैटमैन मलर के पास भी पहुंच जाता है, उसे खूब धोता है, बहुत धोता है एंड फिर मलर जो है वो सब सच बता देता है बैटमैन को। अब दिखाया जाता है बारबरा को जो कि खड़ी होती है गार्डन के घर पे, तभी गार्डन आता है एंड फिर मोंटोया और दो पुलिस वाले एंड बारबरा जो है वो निकल जाते हैं एक खुफिया जगह पे क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब गार्डन जो है वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तब बारबरा कहती है देखिए ये कॉलोनी है आपकी और आपको खतरा होगा तो कॉलोनी वालों को भी होगा, तो आप चाहते हैं क्या कि कॉलोनी वाले आपकी वजह से इंजर्ड हो या मारे जाएं, तो प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। तब गार्डन गाड़ी में बैठ जाता है एंड फिर ये लोग निकल जाते हैं एक खुफिया जगह पे। तभी होता ये है जब ये लोग जा रहे होते हैं तब पुलिस की वैन आ जाती है पीछे से। जब पुलिस की वैन आ रही होती है तब होता ये है ये लोग सोचते हैं कि हमने बैकअप बुलाया है एंड फिर बारबरा कहती है वाह तुमने बैकअप भी बुलाया है। देन मोंटोया कहती है कि नहीं नहीं मैंने कोई बैकअप नहीं बुलाया एंड फिर वहां से फायरिंग चालू होने लग जाती है। इधर होता ये है एक पुलिस वाला घायल हो जाता है एंड इधर बारबरा जो है वो कार संभाल लेती है। तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है एंड बारबरा टर्न ले लेती है एंड वो जो गाड़ी वाले बंदे हैं वो सीधा खाई में गिर जाते हैं एंड वो वहीं मर जाते हैं। अब होता ये है जिस पुलिस वाले को चोट आई होती है वो कहता है कि मैं ठीक हूं, गोली सिर्फ छूके ही निकली है। पर बारबरा कहती है तुम्हें गोली छूके नहीं निकली, तुम्हारी हालत जो है वो बहुत खराब है तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पर जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तब इनकी कार खराब हो जाती है, अब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरा पुलिस वाला जो इनके साथ आया हुआ होता है वो कहता है कि अब ये गाड़ी चलेगी नहीं एंड फिर ये लोग गाड़ी छुपा के एक जगह ढूंढने लग जाते हैं जहां पे ये रात बिता सके क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी और जिस पुलिस वाले को चोट लगी थी उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। एंड फिर होता यह है वही शार्प शूटर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं उस एरिया में एंड इन्हें पता चल जाता है कौन कहां गया है एंड फिर उसमें एक जो लीडर होता है वो ढूंढ लेता है उनका पता। इधर बैटमैन जो है पता लगाने की कोशिश करता है कि कमिश्नर गार्डन कहां गया है लेकिन उसको पता नहीं लग रहा होता है कि ये लोग कहां निकल गए। फिर होता यह है ये लोग एक घर में आ जाते हैं और बारबरा जो है उस पुलिस वाले को सुला देती है। इधर दिखाया जाता है ये लोग बातें करने लग जाते हैं एंड मोंटोया कहती है कि तुम यहीं पली बड़ी थी ना, बारबरा कहती है हाँ।
तब मोंटोया कहती है तो तुम इस जगह को छोड़ के क्यों चली गई, तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी थी ना, क्योंकि ये जगह डेवलप नहीं है। एंड फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है अभी लड़ो मत, देखो बाद में लड़ लेना। तभी वहां पे शार्प शूटर्स की फायरिंग हो जाती है एंड ये लोग बच के निकलने लग जाते हैं इधर उधर। फिर होता यह है वहां पे बैटमैन भी आ जाता है, बैटमैन भी अच्छी तरह मजा चखाता है। इधर कमिश्नर गार्डन और मोंटोया भी गोलियां चला रहे होते हैं पर उसका जो लीडर होता है वो भारी पड़ रहा होता है। एंड फिर बैटमैन आके सबकी पिटाई करता है, बैटमैन अच्छे से पिटाई करता है। जो लीडर होता है उसको तो ऐसा धोता है कि उसकी नानी याद आ जाती है। इधर दिखाया जाता है बारबरा और एक पुलिस वाले को जिसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है एंड ये दोनों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी बारबरा जो है कैसे भी करके उस आदमी को धो डालती है। जो दूसरा पुलिस वाला है वो बोलता है हाश तुमने बचा लिया। फिर दिखाया जाता है कि कमिश्नर गार्डन जो है वो मारने आते हैं उसी लीडर को। तब देखते हैं वहां तो बैटमैन है एंड उस बंदे से अच्छी तरह निपट रहा है। बैटमैन बताता है कि कमिश्नर गार्डन आप टारगेट कभी थे ही नहीं। एंड फिर दिखाया जाता है बारबरा को, जो पुलिस वाला बारबरा के साथ आया था वो उस पे गन तान देता है और कहता है कि सॉरी बारबरा मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। फिर होता यह है कमिश्नर गार्डन जो है वहां आ जाते हैं एंड गोली चला देते हैं जिससे बारबरा बच जाती है। एंड फिर बारबरा उस आदमी को खींच के एक घूंसा मारती है। इधर दिखाया जाता है सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं एंड बारबरा भी बच जाती है। वो सोचती है कि यार मेरे ऊपर किसने हमला करवाने की सोची। फिर जब वो जाती है जेल में उस कैदी से मिलने, वो वही कैदी होता है जिसको बारबरा ने छुड़वाया था और उसकी सजा कम करवाई थी। फिर बारबरा कहती है कि मैंने तो तुम्हें छुड़वाया था, मैंने तुम पे रहम किया और तूने मेरे को ही मरवाना चाहा। देन वो आदमी कहता है कि ये कोई सजा कम करानी होती है, जेल में बैठा हूं कितना बेकार लगता है मुझे। एंड फिर बारबरा जो है उठ के चली जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी यही जगह है, अब तुम यहीं रहोगे और यहीं सड़ोगे। एंड फिर ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए बैटमैन सीरीज को।